दोस्तों ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, एक पीर मज़ार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर आप देखिए जो मज़ार के अंदर बताया जा रहा है एक कोबरा सांप है। कोबरा सांप को निकालने के लिए देखिए किस तरह से प्रयास जो है वो किया जा रहा है, और देखिए यहां पर ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। इस मज़ार के अंदर बताया जा रहा है कि काले रंग का कोबरा है, काले रंग का कोबरा है, इस तरह से बताया जा रहा है। जिसके बाद आप ये देखिए सतीश फफड़ाना को मौके पर बुलाया गया। फफड़ाना जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं और उसे ढूंढने का प्रयास जो है वो करते हुए नज़र आ रहे, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हालांकि यहाँ पर माथा टेकने के लिए काफ़ी लोग ज़रूर आते हैं, माथा टेकने के लिए काफ़ी लोग ज़रूर आते हैं। आवाज है ना, पूरी तेज आवाज है, देखो सांप सीखा भी नहीं, आवाज आ रही है बिल्कुल। ये आवाज आप देख सकते हैं, हुंकार आवाज सुन सकते हैं, कोबरा की आवाज, कोबरा की करनाल में बहुत तेज आवाज यहाँ पर जो है सुनाई दे रही है। लाला पे देखिए उस कोबरा को बाहर निकालने के लिए देख सकते हैं सतीश फफड़ाना को बुलाया जाता है। इस मज़ार के अंदर बताया जा रहा है कि एक काफी खतरनाक सांप देखा गया, जिसके बाद सतीश फफड़ाना को मौके पर बुलाया जाता है। देखिए अंदर से निकालने के लिए अब जो है वो प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप ये देखिए कोबरा जो है वो बाहर आ चुका है, देखिए काफी बड़ा कोबरा है, काफी बड़ा सांप है, और जिसकी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरह से फन जो है वो फैलाकर बैठ चुका है, फन फैलाकर बैठा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, जिसकी तस्वीरें ये देखिए किस तरह से, ये देखिए काफी बड़ा सांप है, काफी बड़ा कोबरा सांप है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मज़ार के अंदर बैठा हुआ था और इसे हाथ में देखिए भागने का प्रयास जो है वो कर रहा है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं उसे पकड़ने के लिए सतीश फफड़ाना द्वारा हर कोशिश जो है वो किया जा रही है, जिसकी तस्वीरें, और फिलहाल इसे रेस्क्यू जो है वो कर लिया जाएगा। फिलहाल शायद पीछे जो है वो घुस चुका है, हाथ में आ चुका है सतीश फफड़ाना जी के आ चुका है हाथ में, देख सकते हैं, और किस तरह से फन जो है वो फैलाया हुआ है, फन जो है वो फैला रखा है। काफी खतरनाक सांप है, देखिए काफी खतरनाक, और किस तरह से फन देखिए, काफी बड़ा सांप है, बहुत ही बड़ा सांप, ऐसा सांप जो है वो पहले कभी आपने नहीं देखा होगा, काफी खतरनाक सांप है, और इसे पकड़ जरूर लिया गया है। देखिए किस तरह से सतीश फफड़ाना द्वारा पकड़ जरूर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल से, करनाल की ये तस्वीरें हैं, और करनाल के गुरु नानकपुरा में आज सतीश फफड़ाना पहुंचे थे और इस सांप को बाहर लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल देखिए लोग किस तरह से बाहर भाग कर जाते हुए, देखिए काफी खतरनाक, काफी मोटा सांप है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, करनाल के गुरु नानकपुरा की ये तस्वीरें हैं, और ये देखिए काफी बड़ा और काफी मोटा फन फैलाए हुए ये सांप है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। बीस साल पुराना सांप है, और काफी मोटा जरूर है, काफी मोटा जरूर है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं किस तरह से इस पीर मज़ार के अंदर था, और इसे अब बैग के अंदर रखकर यहां से लेकर जाया जाएगा, जिसकी तस्वीरें करनाल के गुरु नानकपुरा से, देखिए किस तरह से फन फैलाया हुआ है, अभी भी फन फैलाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम आसपास से लोग किस तरह से यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही सतीश फफड़ाना द्वारा, देखिए वे देखिए किस तरह से अब उसे पकड़ने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, अब इसे बैग में जो है वो डाल लिया जाएगा, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, और काटने का प्रयास जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। काफी मोटा 20 साल पुराना ये सांप है, और इसे यहां से बैग में डालते हुए सतीश फफड़ाना नजर आ रही है। आज आप सुन लीजिए अभी भी आवाज किस तरह से निकालता हुआ नजर आ रहा है, और इसे मोटा देख लीजिए कितना ये मोटा सांप है, और 20 साल पुराना ये सांप बताया जा रहा है। मज़ार के अंदर था, मज़ार के अंदर जहां पर माथा टेकने के लिए रोज यहां पर लोग आते हैं, और फिलहाल ये देखिए अभी भी फन फैलाकर किस तरह से
देखिए काफ़ी पुराना सांप जो है वो बताया जा रहा है और मजार के अंदर था। ये काफ़ी मोटा है और 20 साल बताया जा रहा है कि पुराना ये सांप होगा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही करनाल के गुरु नानकपुरा से। हालांकि जब लोगों द्वारा देखा गया तो जानकारी सतीश फफड़ाना को दी गई। सतीश फफड़ाना मौके पर पहुंचते हैं और इस सांप को पकड़ लिया जाता है। हालांकि देखिए बैग में डालने का प्रयास किया जा रहा है, पर ये देखिए कहीं ना कहीं अब जो कोशिश जो है वो की जा रही है कि जल्द डाल लिया जाए। मोड़ा काफ़ी मोटा सांप जो है देखा गया और लोगों का जमावड़ा देखिए जरूर लग जाता है। लेकिन बैग में जो है वो नहीं जा रहा। हालांकि इसमें डालने का प्रयास जो है वो ज़रूर किया जा रहा है, बाहर आ जाता है कहीं ना कहीं। देखिए काफ़ी मोटा कोबरा, ब्लैक कलर का कोबला जो है, और फन अभी भी फैला रहा है, गुस्से में है, कहीं ना कहीं गुस्से में है और फन फैला रहा है। सतीश फफड़ाना जरूर इसे अब बैग के अंदर डालते हुए देखिए बैग से फिर से बाहर आ चुका है और फन फैला दिया है। देखिए फन किस तरह से फिर से फैला लेता है और काफ़ी गुस्से में ज़रूर है और काफ़ी खतरनाक सांप में से एक सांप है और काफ़ी मोटा सांप है। और फिलहाल इसे अब बैग में डालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, पर बैग के अंदर नहीं जा रहा। लोगों का देखिए किस तरह से जमावड़ा ज़रूर लग जाता है देखने के लिए। हर एक के फ़ोन के कैमरे जो हैं वो ऑन हो जाते हैं और वीडियो बनने लगती है। देखिए किस तरह से काफ़ी मशक्क़त जो है वो करनी पड़ रही है। काफ़ी पुराना है। अब दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है सतीश फफड़ाना द्वारा, और फन देखिए किस तरह से फैला के बैठ चुका है। फन किस तरह, ये देखिए अटैक किस तरह से किया गया। और फिलहाल अब दूसरा तरीका जो है वो अपनाया गया है। दूसरा अभी भी देखिए हाथ, देखिए कोबरा किस तरह से बाहर आ जाता है और लोगों में भगदड़ किस तरह से मच जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रही हैं। लाइव तस्वीरें हैं और फिलहाल किस तरह से भगदड़ जो है वो ज़रूर मच जाती है। और ये तस्वीरें कभी कभी देखने को मिलती हैं, स्टीसी कभी पहले भी ऐसे हुआ, इतना तंग है कभी पहले भी। फिलहाल आप ये देखिए किस तरह से बैग के अंदर नहीं जा रहा और इसे डालने का इस बैग के अंदर प्रयास किया जा रहा है, पर फिर बाहर आ जाता है और हमला कहीं ना कहीं करने का प्रयास करता है। और फिलहाल देखिए अब मशक्क़त ज़रूर की जा रही है, अब जा रहा है अंदर और इसे अब यहाँ से रेस्क्यू ज़रूर कर लिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहे। सतीश फफड़ाना द्वारा इसे अब पकड़ ज़रूर लिया गया है। अब फिलहाल देखिए अभी भी किस तरह से बैग के अंदर से भी काट सकते हैं, काट भी लिया था। देखिए बैग से अंदर से भी काट सकता है अभी भी, देखिए किस तरह से। ये जी कोबरा प्रजाति का जी स्पेक्टिकल कोबरा है। ये जी मेरे को यहाँ काट लिया था, पहले कपड़े को काटा, फिर ये दस्ताने को काटा 20 दिन पहले की बात है, क्या थल गई पर लोगों की दुआई थी। इसके काटने से बाद में मर जाता है जी। मैं भी अंधा हो गया था, तो लापरवाही पलकी गिर गई थी मेरी, गला रुक गया था। क्या कहेंगे आप जनता से भाई, अगर ऐसा सांप दिखाई दे और किसी को काट जाए ना। अभी भी दो बच्चों की डेथ हो गई है तरन तारण में, मोड्डा गांव में। एक बच्चा था वो 5 साल का, एक था 9 साल का, और उनके घर में बिस्तर पर सोते हुए काट लिया। एक बैरथड़ा में काट लिया, एक अंधली में काटा था, नंद बाबी दोनों सोई थी बेड पे, कपड़ों में से सांप निकला था वो। सूचना दें अगर ऐसा सांप। हाँ, अभी भी देखिए किस तरह से, अभी भी किस तरह से निकलने का प्रयास जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है बैग में से। काफी खतरनाक सांप है। और फिलहाल ये अंदर मजार बनी हुई थी, उस मजार के अंदर देखा गया, जिसके बाद अब सतीश फफड़ाना ने इसे रेस्क्यू जरूर कर लिया गया है। बातचीत करने का प्रयास जरूर किया जाएगा सतीश फफड़ाना से। फिलहाल ये देखिए अभी भी अंदर से निकलने का प्रयास जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। सतीश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी आई थी आज? जानकारी तो ये थी जी भाई, मंदिर में सांप है तो फिर मैंने ये सांप पता क्यों आया हमारी गलियों में? ये आप देखो गलियों का हाल देखना, ये नीचे टहले लगी है। बताओ सतीश जी क्या जानकारी है? जानकारी थी जी, फोन गया था इनका और भाई ये बोले मंदिर में सांप है, वहां भी आ जाएंगे। बोले जी कोई खर्चा मां भाई गड्डी वाले का था, बोले यार वो तो जाए, आपका बना है वो तो जरूर देंगे। तो माँ जी देख लियो कहीं ऐसा ना हो भाई, कोई सांप ने ना मार दे। बोले भाई साहब बिल्कुल नहीं मारेंगे और आपका भी पूरा मान सम्मान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इन्होंने भाई ने बुलाया, मैंने देखा कहा यार ये तो ताड़ी बजाई लोगों ने आंदाई, मैं ये तो बड़े हौसला देने वाले आदमी हैं। पर
वहाँ से तो मैं स्पीड में आ गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी स्पीड कम होगी क्योंकि गलियाँ टूटियाँ, रोड़े देख सको आप कितने रोड़े पड़े हैं। श्री जी, बेरथला की बात करें, वहाँ पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आपने पैसे लिए हैं, पर आपने वहाँ पर तो उनकी मतलब सहयोग किया है, ऐसा सुनने में आया कि 15,000 की सेवा की है आपने उनकी। देखो जी सुनो, वो तो मेरी बात हुई है मेरी कुछ लोगों से, भाई वहाँ हम जाएंगे सेवा की तो बात है, लेकिन उस दिन भी फ़ोन आया था उनके रिश्तेदार का था, मैंने कहा था भाई चलो मैं कुछ नहीं लूँगा लेकिन गड्डी वाले का खर्चा जो मैंने उरा बात करी है इनसे, क्यों भाई यही कही थी ना। हाँ, ये लोग मौके पर खड़े हैं, वह बोले भाई चल ठीक है, भाई कहाँ से आओगे। माँ जी मैं करनाल जिले में, बोला करनाल तो आऊँगा, नहीं करनाल से नहीं आऊँगा, असंत आकर मेरा गाँव में फुकड़ाना उड़ता आऊँगा। बोला चल गड्डी वाले का तो हम दे देंगे, उसमें तो गड्डी वाले के भी मैंने कम कराए थे, वो बोले यार पूरे नहीं हो पीछे गड्डी वाले के, मैं फिर कम कर लो 500 रुपये कम दिलवाए थे। अब कोई लोग वैसे ही यार व्यूज के चक्कर में कुछ और लिख जाए तो गलत बात है। या भाई एक बात होगी, मेरे पास दिन रात फोन सुन, मेरे के लड़ा का देख लो, रात ने फोन सुन लियो, मैं रात ने कितने फोन सुनूं और कितने सांप पकड़ू दिन, मैं कदे नहीं सोचता कोई करनाल करनाल में पकड़ा जिसने चलाई तो सुनो तो मैं कदे कोई नहीं सोचता हो। ये मेरे पास फोन है ना, कई जगह के फोन आ रहे, करनाल का एक और फोन है, किराने की दुकान में सांप पड़ रहा हो और वो बोला मैं 1 रुपया भी नहीं दूँ, मैं कोई बात नहीं भाई मैं दूसरी जगह आ रहा पकड़ने, गाड़ियाँ खर्चा और पूरा हो गया किराने की दुकान में, मैं फ्री में जाकर सांप पकड़ूंगा वो। और भाई दूसरी कि जब अगले का जावा ना और अगला नुका भाई ईंटा में बढ़ गया, ईंटा 6,000 और मेरी टूट रही है पसली, उसके बावजूद मैं ईंट उठाऊँ, कोई मर्द का बच्चा होता है उठा के देख लिया करो मेरे गलना, और नुका दो मैं फ्री में करूँ, जो फ्री में करने वाला हो ना मेरी गाड़ी में बैठ लो भाई, आके ईंट उठवा दिया करो, फरस तड़वा दिया करो, तूड़े में सांप बढ़ गया तूड़ा भर कटवा दिया करो, तेरी दिहाड़ी मैं दूंगा भाई खरी। क्यों जी, तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सेवा जो है सिर्फ तेल का खर्चा लेते हो जी आप। जी बोलो और क्या, इनका पहले बात हो ली थी कि जो होगी थी ना। जी जी हाँ, सिर्फ तेल का ही खर्चा लेते हैं, दूसरा कोई पैसा नहीं लेते। सतीश फफड़ाना, जब आप बुलाएंगे आपकी सेवा में जरूर हाजिर होंगे, हालांकि तेल का खर्चा हम भी कहते हैं जाए जाए तेल का खर्चा ले लें, उसमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है। आप सभी से निवेदन रहेगा इस वीडियो को शेयर करें, देखिए किस तरह से काफ़ी डर का माहौल ज़रूर था और यहाँ से अब सांप को पकड़ लिया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल से गुरु नानकपुरा से, ये तस्वीरें आप शेयर जरूर करते रहें।